नमस्कार दोस्तों, मैं जयसिंह मीणा वर्दी यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूं वो राजस्थान के प्राचीन नाम। और राजस्थान के प्राचीन नामों की अगर अपन बात करेंगे तो राजस्थान को मूलतः चार नामों से, जिसमें हम अगर बात करें तो सबसे पहले अगर अपन चर्चा करते हैं तो वो आती है मरुकांता। क्या आता है? मरुकांता। यानी राजस्थान को सबसे पहले मरुकांता शब्द से संबोधित किसने किया? तो राजस्थान को सबसे पहले जो मरुकांता जो शब्द था वो किसने दिया था? वाल्मीकि जी ने। किसने दिया था? वाल्मीकि जी ने। और वाल्मीकि जी के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? तो ग्रंथ की अगर अपन बात करें तो यानी भारत विश्व भारत के दो महाकाव्य अगर हम बात करते हैं तो भारत के दो महाकाव्य कितने हैं? दो महाकाव्य हैं। और बिल्कुल दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक की अगर चर्चा करें तो वो आता है महाभारत, और दूसरे की बात करें तो वो आता है रामायण। क्या आता है? रामायण। बिल्कुल अगर अपन इसकी बातें करें, यहां से अगर अपन चर्चा करते हुए थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बिल्कुल इसकी बात करते हैं कि भारत में यानी मरुकांता शब्द वाल्मीकि जी ने कहा। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं यहाँ पे तो राजस्थान का ज्यादातर जो हिस्सा है, बिल्कुल अगर बात करें तो राजस्थान के बीचों बीच अरावली पर्वतमाला है, और अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिमी जो भाग है उसके लगभग 61.11% भूभाग पे रेती भूभाग है, और 40% इस क्षेत्र में जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। अब देखिए यहाँ पे अपन चर्चा करें तो राजस्थान को सबसे पहले मरुकांता शब्द वाल्मीकि जी ने कहा, और कौन से ग्रंथ में कहा? तो वो ग्रंथ कौन सा है? रामायण। कौन से ग्रंथ में कहा? रामायण। और रामायण की जो रचयिता है वो कौन है? वाल्मीकि जी। जबकि महाभारत की जो रचयिता है वो कौन है? वेद व्यास जी। कौन है? वेद व्यास से। अब देखो सबसे पहले मरुकांता शब्द किसने कहा? वाल्मीकि ने। कौन से ग्रंथ में कहा? रामायण में। भारत के दो महाकाव्य कौन से हैं? तो महाभारत और रामायण। सबसे पहले हम रामायण की बात करते हैं, और रामायण की जो रचयिता थे, इस रामायण के जो मूल पात्र थे वो कौन थे? राम थे। मूल पात्र जो थे वो कौन थे? राम थे। और इस राम से क्वेश्चन आता है अपने कंपिटिशन में कि रामचरितमानस किसने लिखा? तो रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। किसने की थी? तुलसीदास ने। अब रामचरितमानस तुलसीदास ने, अब रामचरितमानस तुलसीदास ने कौन सी नदी के किनारे लिखा? तो उसकी अगर अपन बात करें तो वो नदी कौन सी है? सरयू नदी। और सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर जो यूपी में है वो स्थित है। अब राम का जो मूल पात्र है अगर अपन बात करें तो राम से जुड़ी हुई मूल पात्र कौन थी? सीता। अब सीता से राजस्थान जीके में बेटा दो कंपटीशन में दो क्वेश्चन आते हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। एक तो यहाँ पे अगर बात करें आती है सीता बाड़ी, और एक आता है सीता माता अभ्यारण। बिल्कुल अगर हम बात करें सीता माता अभ्यारण और सीता बाड़ी। अब देखिए इस सीता बाड़ी की बात करें तो ये सीता बाड़ी तो है कहां? बारा, और ये सीता माता अभ्यारण जो है वो कहां है? प्रतापगढ़ में। कहां पे? प्रतापगढ़ में। अब इन दोनों अगर बात करें तो ये जो सीता बाड़ी है, बिल्कुल अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे बेटा एक बिल्कुल बात करें तो यहाँ पे सहरिया जाति का कुंभ, यानी यहाँ पे एक लगता है सहरिया जाति का कुंभ। और सहरिया जाति का जो कुंभ है वो कहाँ लगता है? सीताबाड़ी। और सीताबाड़ी जिससे कहाँ पे है? बारा में। एक क्वेश्चन तो सीधा आ जाता है। दूसरा सीता माता अभ्यारण जो प्रतापगढ़ में है इसकी अगर बात करें तो ये सीता माता जो अभ्यारण है ये मूलतः उड़न गिलहरी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। ये उड़ती नहीं है, ये क्या करती है? छलांग लगाती है, और छलांग लगाकर जिस चीज के जाकर ये कूदती है, जहां पे छलांग लगाती है उसके साथ ये चिपक जाती है, उड़न गिलहरी अगर बात करें। और यहाँ पे चोसिंगा, और ये उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ जो राजस्थान का 33वां जिला है, सबसे नया जिला है जो 2008 में वसुला राजे सिंधिया के समय अस्तित्व में आया था। तो ये
प्रतापगढ़ जो है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, सीता माता अभियान। अगर हम बात करें तो ये सीता उड़न गिलहरी जो है वो प्रतापगढ़ का क्या है, शुभंकर भी है। बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें ये जो सीता माता अभियान है, बिल्कुल हमने यहाँ पे बात की। अब देखो अगली अगर हम चर्चा यहीं पे करते हैं तो इस सीता जो थी जो राम की पत्नी थी, अर्थात इनके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र, एक था लव और दूसरा कौन सा था? कुश। अब राजस्थान में दो झरने भी हैं, एक लव और कुश, दोनों की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर अपन चर्चा करते हैं कि राम के दो पुत्र, एक तो कौन था? लव और दूसरा कौन था? कुश। लव और कुश दो झरने हैं। लव आपको भी अच्छी तरह से पता है कि लव किसी का पूरा नहीं होता, और लव की अगर बात करें तो लव जो है वो प्यार जो है वो हमेशा क्या होता है? ठंडा होता है। तो ये लव जो झरना है वो ठंडे पानी का क्या है? झरना है। और कुश जो है वो गर्म पानी के का है? झरने। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक झरनों के द्वारा सिंचाई जो होती है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक नदियों व झरनों के द्वारा क्या होती है? सिंचाई होती है। तो ठंडे और गर्म पानी के दो झरने हैं लव और कुश, और दोनों कौन से अभ्यारण में हैं? सीता माता अभ्यारण में। कहां पे? सीता माता अभ्यारण। और इस कुश के वंशज क्या बने थे बाद में? कछुआ वंश। और कछुआ वंश का जो शासन है वो कहां पे है? आमेर में। कहां पे है? आमेर में। तो बिल्कुल अगर अपन बात करें तो कछुआ शासकों की जो छत्रिया है गैटोर में स्थित है, तो ये सीताबाड़ी। और यहाँ पे हमने बात किया राम से। अब देखो बात आती है यहाँ पे अगर चर्चा करें तो मरुकांता शब्द सबसे पहले किसने कहा? वाल्मीकि ने। और ये इसकी जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? रामायण से। भारत के दो महाकाव्य हैं महाभारत और दूसरा कौन सा है? रामायण। महाभारत की रचना किसने की? वेदव्यास जी ने। और रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि जी ने। जबकि रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने। तुलसीदास ने कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी। और कहां पे लिखा? तो अयोध्या में। और अयोध्या कहां पे पड़ता है? यूपी। राम से जुड़ा हुआ मूल पात्र कौन था? सीता। सीता से बनता है सीताबाड़ी जो कहा है बारा में, जहां सैरिया जाति का कुंभ है। और सीता माता अभियान कहा है? प्रतापगढ़। राजस्थान का सबसे नया जिला भी प्रतापगढ़ है। और ये सीता के, सीता माता के दो पुत्र थे लव और कुश। और लव और कुश राजस्थान में दो झरने हैं, एक ठंडे का है और एक गर्म। तो लव तो है ठंडे का और कुश जो है गर्म पानी का, और कुश से ही क्या बने थे? कछुआ वंश। बिल्कुल अगर अपन बात करें यहां से, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और बिल्कुल इसकी बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं तो एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे महाभारत की चर्चा और कर देता हूँ। तो महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की थी, और कौन सी झील के किनारे की थी? पुष्कर। पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में। और यहीं पे वेदव्यास जी के द्वारा यानी वेदों का भी क्या किया गया था? संकलन किया गया था। वेद कितने होते हैं? चार, जिनकी चर्चा मैं अलग से इतिहास में आपकी बातें करूंगा। यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले राजस्थान को मरुका किसने कहा? वाल्मीकि जी ने। कहा? कहा रामायण में। उसके बाद में दूसरा आता है कि राजस्थान को सबसे पहले राजपुताना। अब राजस्थान को सबसे पहले राजपुताना किसने कहा? तो कब कहा? 1800 ईस्वी में। और किसने कहा? जॉर्ज थॉमसन। किसने कहा? जॉर्ज थॉमसन ने कहा। कब कहा? 1800 ईस्वी में। क्या कहा? राजपुताना। इसके पीछे जो कड़ी आती है उसकी अगर अपन यहाँ पे बात करें कि राजस्थान में कुल रियासत कितनी थी? 19 रियासत। कितनी थी? 19 रियासत थी, जिनमें से अगर हम याद बात करें, एक थी यादव रियासत, एक थी मुस्लिम रियासत, बिल्कुल अगर बात करें, और जो दो थी वो थी जाट रियासत। क्या थी? जाट। जाट जो रियासत है वो कौन कौन सी थी? एक थी भरतपुर, और दूसरी की अगर बात करें तो वो कौन सी थी? धौलपुर। एक तो कौन सी? धौलपुर। और दूसरी कौन सी थी? भरतपुर। मुस्लिम रियासत जो थी वो कौन सी थी? टोंक। और यादव रियासत जो थी वो कौन सी थी? करौली। यादव रियासत करौली, करौली को डांग की राज भी कहा जाता है, टोंक को नवाब
की नगरी कहा जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, भरतपुर को, और रेड डायमंड सिटी किसे कहा जाता है, धौलपुर। शेष 15 जो रियासत थी, वो जो 15 रियासत थी वो सारी क्या थी, राजपूत रियासत थी। क्या थी? राजपूत रियासत। अर्थात प्राचीन काल में राजस्थान में राजपूतों का क्या था, शासन। और इसी कारण से जॉर्ज थॉमसन ने 1800 में राजस्थान को सबसे पहले क्या कहा, राजपुताना कहा। ये बात भी आपको, जबकि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो वो कौन सी थी, मेवाड़ रियासत थी। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो वो जोधपुर रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जयपुर रियासत थी। सबसे नवीनतम रियासत की बात करें तो झालावाड़ रियासत थी। इसी प्रकार से जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे वहां पे हम इसकी संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त करेंगे और 7 चरणों में बांटकर इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। 3 ठिकाने और 1 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, जिसकी बात में यहां से अगर हम आगे चलते हैं तो दूसरा राजस्थान की अगर अपन चर्चा करें तो यहां पे तीसरी कड़ी की अगर बात करें तो राजस्थान को एक तो क्या कहा जाता है, रजवाड़ा, और दूसरी की अगर बात करें तो राजस्थान को क्या कहा जाता है, रायथान। अब रजवाड़ा और रायथान शब्द को सबसे पहले संबोधित किसने किया, अगर इस कड़ी की अगर अपन यहां पे बात करते हैं तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो है नहीं। रजवाड़ा व रायथान, इसकी अगर चर्चा करें तो इसे 1829 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी और ये रजवाड़ा व रायथान नाम से संबोधित इस पुस्तक को किसने किया था 1829 में, कर्नल जेम्स टोट ने। अब कर्नल जेम्स टोट ने राजस्थान को सबसे पहले रजवाड़ा व रायथान कब कहा, 1829 में। अब देखो बात करते हैं कि 1829 में उन्होंने एक पुस्तक लिखे थे और उस पुस्तक में इन शब्दों का उल्लेख मिला है, और वो शब्द को पुस्तक कौन से थे जिसको मैं लिख रहा हूं, द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में सबसे पहले 1829 में कर्नल जेम्स टोट ने रजवाड़ा रायथान शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। इस पुस्तक को कब लिखा गया था, 1829 में। ये कर्नल जेम्स टोट है जिसकी अगर हम बात करें, कर्नल जेम्स टोट को एक तो घोड़े वाले बाबा क्या कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। इसी कर्नल जेम्स टोट को राजस्थान में इतिहास का पिता भी, राजस्थान में इतिहास का क्या कहा जाता है, पिता, या क्या कहा जाता है, जनक। अब राजस्थान में इतिहास का पिता या जनक किसको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोट को, और इसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोट की थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ये कर्नल जो जेम्स टोट था वो 1782 में इनका जन्म हुआ और 1835 में ये भगवान को क्या हुआ, प्यारा। इनकी मृत्यु लंदन में हुई जबकि इनका जन्म स्कॉटलैंड के अंदर हुआ। अगर इनकी बात करें तो ये हो गया इनका जन्म और ये हो गई इनकी क्या, मृत्यु। बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें कर्नल जेम्स टोट की अगर बीच की कड़ी की बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोट सबसे पहले भारत में कब आए और किसके सहयोग से भारत में आए, तो इसकी बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोट ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से भारत में आए और ये भारत में पहली बार 1800 में आए और 1800 में ये सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुए और 1806 में ये सबसे पहले भारत आए। और उसके बाद में अगर बात करें तो 1806 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से भारत आए थे और 1817 में इन्हें मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। बिल्कुल अगर बात करें और बाद में यहां से जितने भी इन्हें ग्रंथ मिले ये किसी कारणवश ईस्ट इंडिया कंपनी से 1822 ईस्वी में नाराज होकर बीमारी का बहाना बनाकर कहां पहुंच गए, वापस इंग्लैंड चले गए और वहां जाकर जितने भी इनको ग्रंथ मिले थे वो सभी ग्रंथों को ये एक साथ अपने साथ जुटाकर कहां ले गए, वहां जाकर इनके साथ सर्वे किया और इनका मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के बाद में 1829 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ द राजस्थान, जिसमें राजस्थान को रजवाड़ा व रायथा नाम से संबोधित किया।
लेकिन 1835 में ये भगवान को प्यारे हो गए और इनकी मृत्यु लंदन में हो गई। लेकिन इस वजह से क्या हुआ कि इसी कड़ी के अंतर्गत इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, जिस पुस्तक को हम इनकी कर्नल जेम्स टोट की दूसरी पुस्तक बोलते हैं, जिसे बोलते हैं पश्चिमी भारत यात्रा। क्या बोलते हैं? पश्चिमी भारत की यात्रा। इस पुस्तक में पश्चिमी भारत की यात्रा इन्होंने कर्नल जेम्स टोट ने लिखी। लेकिन इस पुस्तक को प्रकाशित कराने का श्रेय, ये पुस्तक 1839 में प्रकाशित हुई थी और 1839 में इनकी मैडम के सहयोग से इसे प्रकाशित किया करवाया गया। और इसी कारण दो पुस्तकें हैं जिसमें, और इन्हीं पुस्तकों में इसी पुस्तक के राजस्थान को राजस्थान शब्द से भी संबोधित किया गया था। जबकि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उस समय इसे राजस्थान शब्द से संबोधित किया गया, राजस्थान शब्द से इसे संबोधित किया गया। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो वर्तमान रूप है वो हुआ था 1 नवंबर 1956, राजस्थान का वर्तमान 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1 नवंबर 1956। यहाँ पे दो क्वेश्चन और आते हैं, अगर अपन बात करें, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और उसके बाद में हम इसी हल्की सी चर्चा करेंगे। अगर हम इसी चीज की अगर बात करें तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, 1 नवंबर यानी एक क्वेश्चन तो आता है राजस्थान दिवस, क्या आता है? राजस्थान दिवस। बिल्कुल अगर बात करें, अब राजस्थान दिवस की बात करें तो हमारी बात आती है 30 मार्च, लेकिन राजस्थान दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस, तो राजस्थान की अगर कभी भी बात आ जाए तो क्या आता है? 1 नवंबर। की अगर हम बात करें तो राजस्थान की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956। सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आता कि भारत में राज्यों का था, भारत में राज्यों का एकीकरण, में राज्यों का एकीकरण कब हुआ? इसका आंसर क्या आता है? 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य थे। बिल्कुल अगर अपन बात करें तो 1 नवंबर 1956 को, इसी कड़ी में अगर हम आगे इसी को तो इसी कड़ी में राजस्थान के प्राचीन नाम, प्राचीन राजस्थान के नवीनतम जिलों की भी बात है। तो यहाँ पे हम राजस्थान के देखिए दोस्तों यहीं तक है और उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान के नवीनतम और हम अपनी कड़ी को आगे जोड़ते आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक आज जो हमने आपको बताया राजस्थान के प्राचीन और इसी की कड़ी को आगे हम बढ़ाएंगे। आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब है वर्दी यूट्यूब चैनल, और मैं हमेशा आपके साथ इसी प्रकार से रहूंगा, आगे चलेंगे। जय।